हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 9 का लेसन नंबर 9, इसका नेम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि लॉ किसके बारे में, मोशन के बारे में, है ना, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश या पुल करते हो, ठीक है, तो उस समय क्या लगा होता है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली इसमें कुछ टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कंसिडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे से एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है और एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है। ठीक है, यानी एक ऐसे पुश कर रहा है और एक ऐसे पुश कर रहा है, मतलब कि क्या लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स को जब हम लिखते हैं तो हम उसकी जो यूनिट यूज करते हैं वो हम लिखते हैं न्यूटन। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने यहाँ से जो फोर्स लगाया वो लगाया 100 न्यूटन। ठीक है, और कोई जो दूसरा पर्सन है वो जो फोर्स लगा रहा है वो भी लगा रहा है 100 न्यूटन का, है ना। वो मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, मैंने की हुई उसके, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो 100 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, 100 न्यूटन उसने फोर्स लगाया। तो देखो दोनों का जो फोर्स है, दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, है? जब दोनों बोथ साइड से फोर्स आपका इक्वल लगता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यानी दोनों तरफ से क्या है, इक्वल फोर्स है तो वो बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, इन केस अगर ये 100 की बजाय अगर इसने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो क्या होता, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ मूव कर जाता, है ना, क्योंकि ये फोर्स कम है तो ये ऑब्जेक्ट इधर से थोड़ा सा आगे चला जाता, है ना। क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, है ना। तो देखो दोनों का जो फोर्स है बोथ साइड का वो अनबैलेंस है, है ना? ये 100 है, ये 80 है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक चीज हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम वो रॉक वाली गेम खेलते हैं कि कुछ पर्सन इधर से खींचते हैं, कुछ पर्सन इधर से खींचते हैं, तो वो एक्चुअली वहां पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का दोनों का यूज होता है ना। जैसे एक जगह खड़े रहते हैं तो इसका मतलब दोनों के फोर्स इक्वल लग रहे हैं, जिस तरफ रॉक पीछे की तरफ जा रही होती है तो इसका मतलब उसके अपोजिट साइड वाले के पास फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा मूव वो उसी तरफ होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। सेकंड चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, जो न्यूटन जी ने हमें 3 लॉ दे रखे हैं मोशन के, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह रखा हुआ है रेस्ट पोजिशन का, पहले मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट पोजिशन की, है ना। रेस्ट पोजिशन मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली जैसे कि यहाँ रखा है तो ये रखा हुआ है ना, रेस्ट पोजिशन है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ठीक है, इस समय इसका सब जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पोजिशन में है ना। वो रेस्ट पोजिशन पे ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना, है ना। अब जैसे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये तब तक रखा रहेगा जब तक मैं इसको ऐसे उठाऊंगी। उठाने का मतलब क्या है कि मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स यूज किया उठाने, है ना। यानी रेस्ट पोजीशन पे जब तक रहेगा तब जब तक कि उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा एक और है, आपका यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट तब तक रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और वो ऑब्जेक्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे हम ट्रेन ले लेते हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में भी इसका आ जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यही इंडिकेट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है या फिर यूनिफॉर्म पोजीशन में है तो वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक भी के उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थर्ड बात करते हैं हम इनर्शिया एंड मास। तो देखो इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया एक किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी रेजिस्टिविटी है ना।
अपनी एक रेजिस्टिविटी है, या कह सकते हैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उस ऑब्जेक्ट को जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। मतलब क्या है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी फिजिकल रेजिस्टिविटी है ना, इसकी एक फिजिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्ट कह सकते हैं, तो ये इसकी रेजिस्टिविटी ही स्टेट ऑफ मोशन जो चेंज होता है हमारा, उसको होल्ड करने की एबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ कि हम जब बस में बैठे रहते हैं, जब बस स्टॉप पोजीशन में रहती है, रेस्ट पोजीशन में रहती है, और जैसे ही एकदम से वो स्टार्ट आगे की तरफ जाती है तो हम किस तरफ मूव करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं, है ना। और जैसे ही अगर चलती हुई गाड़ी में अगर एकदम से ब्रेक लगे तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, आगे की तरफ झुकते हैं। क्यों, ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है ना, क्योंकि ये उस बॉडी की रेजिस्टिविटी है कि वो कितना होल्ड कर सकता है ना। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी वो होती है आपकी इनर्शिया, ठीक है। दूसरा है आपका मास, मास किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब क्या, मास को दूसरे अगर हम कंसिडर करें कि मास को हम वेट के इक्वल में भी लेके चल सकते हैं, है ना। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि मास जो है पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होगा, है ना। जो मास है हमारा पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट कैन बी चेंज, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। और उसके बाद है आपका मोमेंटम। मोमेंटम की हम बात करते हैं कि एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है। सबसे पहले हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कोई एक अपना मास है, ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है। उस मास को अगर मैं वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसकी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, U और V दो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी के साथ इसके मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाता है मोमेंटम। तो इसीलिए हम मोमेंटम को डिफाइन भी कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। हम मोमेंटम को सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये भी है वेलोसिटी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है मोमेंटम का, ठीक है, ये उसका मास होगा ऑब्जेक्ट का और उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये मोमेंटम पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो जस्ट रिलेटेड है मोमेंटम से, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अंडर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर किसी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन होता है तो वो क्या है आपका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें एक चीज बताई गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, इसका एक अपना मोमेंटम है, इसका एक अपना मोमेंटम है, इसको हम P1 नेम देते हैं, इसको हम P2 नेम देते हैं। इधर से अलग उसकी मोमेंटम है, इसकी मोमेंटम अलग है। इधर मैं P1 की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, M, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, बस मोमेंटम अलग अलग है ना। ये P1 मोमेंटम है, P2 मोमेंटम, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। ये यहां से जाके यहाँ गया, इस समय की मोमेंटम थी m इंटू में u। अब देखो मैं u क्यों लिख रहा हूँ, एक रीजन है क्योंकि ये यहां से इसकी इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग है ना। और यहां मैं बात करूँ P2 की तो ये फाइनल है, इसलिए मैं मास तो सेम ही है दोनों, तो m तो सेम ऐसे रहेगा, इंटू में भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल है, ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका जो चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि इसका जो लॉ के हिसाब से क्या बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम पहले चेंज ऑफ मोमेंटम कर लेते हैं, क्या लिख देंगे हम, चेंज ऑफ
मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टू माइनस पी वन, हम क्या करेंगे पी टू माइनस, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एम वी माइनस एम यू, ये क्या है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एम है, एम को कॉमन बाहर ले लिया आपने, एम वी माइनस ये आ गया, ठीक है, ये इक्वल्स टू नहीं है सॉरी, ये प्रोपोर्शनेट। अब हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यह है चेंज ऑफ मोमेंटम, अब हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाएगा मतलब कि उसकी टाइमिंग भी आ जाएगी उसकी, ठीक है, मतलब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक गया इसकी मोमेंट चेंज होने में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ टाइम लगा हुआ है इसको मोमेंट को चेंज होने में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी टू माइनस पी वन, ये आ गया एम बी माइनस यू अपॉन में पी लिख देंगे बस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी तो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन टू में ए। अब देखो मैंने ये ए क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो ए का फॉर्मूला है वो है बी माइनस यू अपॉन में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब जैसे ही प्रोपोर्शनेट का टर्म मैं हटाऊंगा, जैसे ही प्रोपोर्शनल टर्म हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, प्रोपोर्शनल का टर्म हटा एक कांस्टेंट टर्म आती है, इसको मैंने लिखा के एम इनटू में ए, तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया, ठीक है, जो हमें ये शो कर रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है जो आपको क्वेश्चन वगैरह में गिवन हो सकती है, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी बात करते हैं इसके यूनिट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फिजिक्स में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट किससे करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, नॉट फोर्स को हम एफ से करते हैं और यूनिट क्या होती है अकॉर्डिंग टू इसके, जैसे तो हम न्यूटन बोलते हैं फोर्स की, वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो इसकी जो यूनिट होगी इसको मैं एरो के हिसाब से करके दिखाता हूँ। मास को क्या लिख सकते हैं किलोग्राम और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे इस फोर्स के इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये यूनिट बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, होते थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, हम जैसे गन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये गन है, उस गन में अगर जैसे ही उसमें से वो राइफल जो उसकी गोली है राइफल बाहर हुई तो क्या होता है, वो तो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई लेकिन आपकी जो गन होती है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना, यानी जैसे कि ऐसे मैं इसकी बात करूं तो एक ये नाव से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, ये सरफेस है उसका, ठीक है, और इसको हम नाव लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस नाव पे से अगर ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, देखो जैसे ये अगर ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स करेगा तो ये भी जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड की तरफ, तो देखो दोनों हो रहा है, ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और ये बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी जिस मोशन में एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये फॉरवर्ड में है ये बैकवर्ड में है, तो उसको हम किस लॉ में रखेंगे, उसको हम रखेंगे थर्ड लॉ मोशन, ठीक है। जैसे मैंने राइफल की बात की, उसकी गोली तो आगे की तरफ जाती है लेकिन बंदूक पीछे की तरफ जाती है ना, ऐसी सेम ये केस, ये तो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है लेकिन नाव जो है वो बैकवर्ड की तरफ फॉरवर्ड होगी, है ना,
तो ये जो डायग्राम है हम इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एग्जिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या, जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन में है, ठीक है। एक स्टार्टिंग डायरेक्शन से ले लेते हैं, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सरफेस है, जो सेम पाथ पे है दोनों, इसकी एक अपनी वेलोसिटी है, इसकी अपनी वेलोसिटी, बस फर्क इतना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले फेंका गया है और ये वाला ऑब्जेक्ट है ये इसके बाद फेंका गया। यानी हम कह सकते हैं जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसके जब तक ये जब जहां रुकेगी, जहां कहीं भी डिस्टेंस पर रुकेगी वो उसकी फाइनल होगी, और ये भी जहां कहीं रुकेगी वो भी उसकी फाइनल होगी, ठीक है। अगर मैंने जैसे इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने बी, इसका एक अपना मास होगा, क्या होगा, एम ए, इसका एक अपना मास होगा एम बी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके फोर्स की बात करूं तो जैसा हमने प्रीवियस वाला पढ़ा था, अभी कौन सा पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि फोर्स क्या था हमारा एम इंटू ए, है ना। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये तो मास हो गया दोनों, फोर्स के लिए लिखूं तो मैं एफ ए लिख सकता हूँ, क्योंकि किसका फोर्स है, ए ऑब्जेक्ट का फोर्स है, तो मैंने लिखा एम ए, एम ए इंटू में ए, ए की जगह मैं लिख लेता हूँ वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। ए को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे, वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। सेम यहाँ पे आ जाते हैं, वी ऑब्जेक्ट पे एफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी अंडर ब्रैकेट वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। ये भी टाइम ए का है, ये टाइम बी का है, ठीक है। सेम ऐसे ही हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये दोनों, ये आगे है ये पीछे है, ये कुछ टाइम बाद यहाँ जाकर रुकेगी, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी कुछ टाइम बाद यहाँ जाके आ जाएगी और ये इससे एक दूसरे से टच हो जाएगा। यानी ये अगर गया रोल करके तो कोई दूसरा अगर जाएगा तो वो भी उससे एक बार टच होगा, है ना, ये इसके भी पीछे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका मोशन कंजर्व हो रहा है, इनका फोर्स कंजर्व हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तब क्या होगा, ये तो इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये वाला इसकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन वहां तक जाने के बाद ये कहां मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव कर रहा है ना। यानी दो डायरेक्शन हो सकता है, एक हो सकता है एफ ए टू बी, ए टू बी, और दूसरा हो सकता है एफ बी टू ए, एफ बी टू ए, ठीक है। लेकिन ये तो फॉरवर्ड में जाएगा और ये बैकवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा इसीलिए ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो सेम हम ये फॉर्मूला आगे यहाँ रख देते हैं। चलो अब इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, आगे ये फॉर्मूला सेम उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन में टी इज इक्वल्स टू एम बी माइनस बताया ना, एम बी 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 माइनस यू बी अपॉन में टी, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू के साइन में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब क्या बचा हमारे पास, एम ए बी ए माइनस यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी 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 माइनस यू बी, ठीक है। अभी तक यहां तक आ गए। अब इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे माइनस का साइन हटाया और मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी तो क्या बन जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए वी यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, है ना। ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये माइनस वाली टर्म है ये प्लस में चली जाएगी और ये माइनस वाली टर्म ये प्लस में आ जाएगी। हम इस कैसे भी लिख सकते हैं ना, एम ए b
बी ए प्लस एम बी 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 इजिकल्स टू एम ए यू ए प्लस क्या हो जाएगा एम बी यू बी। ये हमारे पास फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, किसकी इक्वेशन है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट जब एक सर्टेन सरफेस पे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय का जो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, अब हमने हम देखो इसमें हमें सिर्फ दो चीज की पता है, एक मास है और एक वेलोसिटी है। क्वेश्चन में हमें दोनों चीज दे रखी होती है, फाइनल या फिर इनिशियल या फिर मास, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हमने देख लिया, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हमारे। तो इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा लेसन 9 का जो चैप्टर है वो कंप्लीट